Hello students, today in this part we learn how fibers are converted to yarns. Now before starting with the topic, let's see one activity. So first you need to hold some cotton wool in one hand. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने एक हाथ में थोड़ा कॉटन ले लेना है. Then after, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. उसके बाद हमें उसको हमारे बीच में जो forefinger और thumb के बीच में जो hole होता है वहाँ से हमें उसको pinch करने की try करनी है. Now, gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. तो अभी हमें क्या करना है कि जो स्पेस है बिटवीन दी थंब एंड फोर फिंगर उसमें से हमें जो कॉटन है उसको ट्विस्ट करते करते घुमाते घुमाते उसको हमें बाहर निकालना है. देन आफ्टर आर यू एबल टू मेक अ यार्न. तो उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट दैट हमने जब भी ट्विस्टिंग किया और उसको बाहर निकाला तो उसमें से क्या हम यार्न फॉर्म कर सकते हैं. तो हियर जैसे कि मैंने नीचे सबसे लास्ट में इमेज दिखाई गई है उसमें फर्स्ट स्टेप है, उन्होंने सबसे पहले तो कॉटन लिया है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कॉटन को अच्छे से फॉर्म किया है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में उन्होंने थंब एंड फोर फिंगर के बीच में कॉटन को जेंटली पकड़ के रखा है, एंड इन दी फोर्थ एंड लास्ट स्टेप उन्होंने वो ट्विस्टिंग करके कंटिन्यूसली उनको बाहर पुल किया है. तो उसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि आप लास्ट इमेज में देख सकते हो कि वो कॉटन में से यार्न फॉर्म हो रहा है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम द फाइबर्स वी कैन ईजीली मेक यार्न्स. नाउ फाइबर टू यार्न. सो हियर हाउ फाइबर्स आर कन्वर्टेड टू यार्न. तो उसके नीचे जो इमेज दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट फाइबर है. फर्स्ट वन है कॉटन और उसके बाद है ज्यूट. तो ये दोनों में से हम राइट हैंड साइड पे जो यार्न जो थ्रेड्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होते हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो उसके बीच में लिखा है थ्रू द स्पिनिंग. तो स्टूडेंट्स स्पिनिंग इज़ अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस बाय विच fibers are converted to the yarn. So here they can write that the process of making yarn from fiber is called spinning. तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि what is spinning. So you can write down that the process of making yarns from fibers is called spinning. Easy है, क्या है? तो spinning एक process है कि जिसमें fiber में से yarn बनते हैं. Now, in this process, fiber form a mass of cotton wool are drawn out and twisted. तो इसके पहले ही हमने एक्टिविटी में ऑलरेडी देख चुके हैं कि फाइबर में से यार्न कैसे बनते हैं. तो वो फाइबर है, फाइबर का जो मास है उसको हम बाहर पिंच करते हैं और कंटिन्यूसली उसको ट्विस्ट करते हैं, एंड दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. तो इसमें से क्या होगा अल्टीमेटली, दे फॉर्म yarn from the fibers. Now, a simple device used for spinning is a hand spindle, also called tuckley. So, यहाँ पे बोला गया है कि जो device है which is used for the process of spinning, that is known as a hand spindle. जो instrument, जो device की जो हम ये spinning की process के लिए use करते हैं उसे हम hand spindle या फिर टकली बोल सकते हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. तो यहाँ पे बोला गया है कि हैंड स्पिंडल और टकली के अलावा भी जो डिवाइस यूज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग दैट इज़ नोन एज अ चरखा. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग हम दो इंस्ट्रूमेंट दो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ हैंड स्पिंडल और सेकंड वन इज़ चरखा.
ये दोनों की इमेज आप नीचे देख सकते हैं, और द लेफ्ट हैंड साइड जो नीचे इमेज दी गई है दैट इज इमेज ऑफ चरखा, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो आपको दो रॉड्स दिखाए गए हैं दैट इज हैंड स्पिंडल. नाउ यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब भी हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने चरखा का यूज़ करना बहुत ही फेमस कर दिया था, क्योंकि वो विद द हेल्प ऑफ चरखा वो अपने कपड़े खुद से बनाते थे. नाउ ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ होम स्पून यान टर्म्ड एज अ खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गांधी जी थे वो हमें एनकरेज करते थे कि हम ये चरखा और ये हैंड स्पिंडल है उनकी हेल्प से जो कपड़े बनाते हैं उसका हम यूज़ करें, और वी कैन से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खादी मटेरियल के जो क्लॉथ्स हैं वो वेयर करें जो हम विद द हेल्प ऑफ चरखा बनाते हैं. तो इससे हमारा क्या होगा कि हम जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स होते हैं कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़, तो उसका जो खर्च है वो बच जाएगा और वी कैन रिड्यूस इट. नाउ टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956. तो यहाँ पे बोला गया है कि खादी को पॉपुलर बनाने के लिए और इसे प्रमोट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक बॉडी फॉर्म की थी दैट इज़ कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956. तो ये कमीशन, ये बॉडी है उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और ये बॉडी कब फॉर्म की गई थी, तो इन द ईयर ऑफ 1956. Now, the spinning of yarn on a large scale is done with the help of the spinning machines. तो यहाँ पे इससे पहले जो हमने बात की कि spinning process है वो through the हम hand spindle से कर सकते हैं और else हम with the help of चरखा की help से कर सकते हैं, but ये दोनों जो device है that we can use it with the help of hand. ये दोनों ऐसे device है कि जो हम हाथ से use करते हैं, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि whenever we want to produce a material in the large scale, so at that time we can use machines instead of charkha and hand spindle. क्योंकि जब भी हमें कोई बड़े अमाउंट का प्रोडक्शन करना है, कोई मोटी अमाउंट में हमें कपड़ा बनाना है, तो उस केस में अगर हम ये हैंड स्पिंडल और चरखा का यूज़ करेंगे तो वो हमको मटेरियल रेडी करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा. दैट इज़ वाई इन द इंडस्ट्री दे यूज लार्ज, इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल वी कैन यूज़ द स्पिंडल मशीन, स्पिनिंग मशीन. यहाँ पे आपको दो नीचे इमेज दी गई है कि स्पिनिंग मशीन है वो कुछ इस तरह से होते हैं. नाउ आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो हमने जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमको फाइबर में से अभी यार्न्स मिल गए हैं. नाउ अभी हम फर्दर क्या करेंगे, सो वी विल मेक फैब्रिक फ्रॉम द यार्न्स. I hope now you all understand the process of spinning and the device used for the spinning process.